ये जो जगह जगह इतराते फिर रहे हो तुम मेरे शहर की खूबसूरती पे, ये जो जगह जगह इतराते फिर रहे हो तुम मेरे शहर की खूबसूरती पे, बानी है औरंगाबाद है जो औरंगजेब, तो फिर उसके नाम से क्यों जलते हो? मैं एक बात यहाँ बोलूंगा, मगर एमआईएम के लोगों को अगर बुरा लगा तो पहले माफी मांग ले। कल अगर और आज मीडिया खूब उछल रही है अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत, अखंड भारत के अंदर बांग्लादेश भी था, अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान भी था, अखंड भारत के अंदर अफगानिस्तान भी था, अखंड भारत के अंदर श्रीलंका भी था। अगर तुम बदलना चाहते हो तो क्या बदलोगे? ये 52 दरवाजे चीख चीख के कहेंगे औरंगाबाद है ये, बीबी का मकबरा चीख चीख के कहेंगे औरंगाबाद है ये, ये मेरे अंबरी अगर खोदोगे जमीन तो मेरे अंबरी चीखेंगे कि औरंगाबाद शहर है। यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की अस्थियां है, यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की हड्डियां दफन है, वो चीख चीख के कहेंगी कि ये औरंगाबाद है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो चल रहा है कि औरंगाबाद का नाम बदल दो, ये सही देखा जाए तो गलत है। ये एक धर्म के लोग जो बोल रहे हैं कि एक धर्म के लोग ही ये विषय को उठा रहे हैं, ये गलत है। क्यों गलत है कि देखो, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले ही क्षमा चाहूंगी। पूना का नाम बदली हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? पूना का नाम बॉम्बे का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यही क्यों राजकारण किया जा रहा है? ये सारा राजकारण है। मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, सब मिलके आओ। ये अपने औरंगाबाद की बात है, अपने महाराष्ट्र की बात है, अपने औरंगाबाद की बात है। मैं तो सभी को एक ही बात कहूंगी, सब लोग आओ, सब रोड पे उतरो और एक साथ मिलके लड़ो इस विषय पर। ये एक का विषय नहीं है, एक जात का विषय नहीं है, एक धर्म का विषय नहीं है। प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना है। अपने एक ही सोच है कि अपने औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। बस एक ही संदेश सब तरफ दो, हर जगह एक ही संदेश पहुंचा दो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, कि आप लोग भी सब हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये जात भेद का सवाल नहीं है, ये अपने औरंगाबाद का सवाल है। बस ये संदेश पहुंचा दो, सब घर घर के लोग निकलेंगे। धन्यवाद। प्रीति दुबे है, मैं समाजवादी पार्टी की महिला शहर अध्यक्ष हूँ। औरंगाबाद शहर सिर्फ मेरा और आपका शहर ही नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर बसने वाले जितने भी लोग हैं, मराठवाड़ा डिवीजन जो है, उस डिवीजन का नाम भी औरंगाबाद है। और अभी जो G20 होके गया, तो मैं एक शेर के जरिए आपको समझाऊंगा कि ये जो जगह जगह इतराते फिर रहे हो तुम मेरे शहर की खूबसूरती पे, ये जो जगह जगह इतराते फिर रहे हो तुम मेरे शहर की खूबसूरती पे, बानी है औरंगाबाद है जो औरंगजेब, तो फिर उसके नाम से क्यों जलते हो? सिर्फ औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करना या उस्मानाबाद शहर का नाम तब्दील करना, ये लोगों का मकसद नहीं हो सकता। ये लोगों का मकसद हमारी पहचान को मिटाना है। मुसलमानों की पहचान औरंगाबाद शहर नहीं, या किसी के जात या धर्म से इस नाम को जोड़ना, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। मगर ये शहर को 52 दरवाजे देने वाला शख्स वाहिद आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। बीबी का मकबरा, जो बीबी के मकबरे पे पूरे दुनिया के लोगों को ले जाके ये बता रहे हैं, वो बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे का दिया हुआ है। पंचक्की औरंगजेब की दी हुई। मैं एक बात यहाँ बोलूंगा, मगर एमआईएम के लोगों को अगर बुरा लगा तो मैं पहले माफी मांग लेता। कल अगर औरंगजेब की यहाँ फोटो आई, उस पर बवाल हुआ, भाई मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से मैं औरंगजेब का समर्थन करता हूँ। अगर मैं उसकी फोटो लाऊ, मेरे मोर्चे में लाऊ, तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। मैं औरंगजेब का चाहने वाला हूँ और मुझे इस बात से नहीं रोक सकता। जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अपने विचार रखने का अधिकार दिया है इस मुल्क के अंदर, तो मैं औरंगजेब को चाहता हूँ उनके विचार के ऊपर। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अखंड भारत के बादशाह थे। अखंड भारत किसको बोलते हैं? अखंड भारत, आज मीडिया खूब उछल रही है अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत, अखंड भारत के अंदर बांग्लादेश भी था, अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान भी था, अखंड भारत के अंदर अफगानिस्तान भी था, अखंड भारत के अंदर श्रीलंका भी था।
ये अखंड भारत था, आज भारत के टुकड़े कर दिए और फिर बोलते हैं अखंड भारत का सपना हम देख रहे हैं। वही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने 150 सालों तक हुकूमत की ये अखंड भारत के ऊपर। देखिए संभाजी महाराज का हम आदर करते हैं। संभाजी महाराज और औरंगजेब ये दो एक बादशाह थे, उनके आपस में क्या उस वक्त एक राज्य की जो लड़ाई होती बादशाहों के बीच में, वो लड़ाई अलग हो गई। उसको हमारे शहर से जोड़ने क्या मतलब? अगर हमारे भाई ने बोले मैं आग लगा लूंगा, पेट्रोल डाल दूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप टोपी और दाढ़ी से मुस्लिम लगते हैं, मेरे भाई लगते हैं आप कलमे शरीफ के, मेरे भाई लगते हैं, मगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता भाई, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आत्महत्या या खुदकुशी की इजाजत इस्लाम नहीं देता। हम जैसा गांधी जी ने जो मार्ग से चले थे, जो लोकशाही मार्ग है, हम भी उसी मार्ग से लड़ेंगे। यहाँ बैठने के लिए अगर हमको एक साल भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, दो साल भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, क्या पता हमारी नस्लें भी यहाँ आके बैठे तो बैठेंगे, मगर हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये बात अपने दिलों में और अपने जहनों में और अपनी नस्लों को बताइए कि औरंगाबाद शहर के लिए कुछ जियाले थे जो लड़े, और मैं औरंगजेब का चाहने वाला हूँ, मैं औरंगजेब को मानने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जन्म औरंगाबाद में हुआ और सिर्फ जन्म होने की वजह से मैं औरंगजेब को नहीं मानता। उनके जो विचार थे, जैसा शाही मस्जिद के अंदर उनका तख्त था पत्थर के ऊपर, अभी बहुत दिन कुछ दिनों से जो वीडियो चल रहा है, शाही मस्जिद में उनका तख्त था पत्थर का। कौन सा बादशाह है वक्त का जो 50 साल हुकूमत करता और पत्थर के तख्त पे बैठता और फिर उसके नाम से चलते हो तुम? ऐसी कौन सी नफरत है? क्या ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ यही राजनीति बच गई? विकास के लिए कोई राजनीति नहीं बची बीजेपी सरकार के पास? हम इसका तीव्र तरीके से निषेध करते, औरंगाबाद शहर था, अगर तुम बदलना चाहते हो तो क्या बदलोगे? ये 52 दरवाजे चीख चीख के कहेंगे औरंगाबाद है ये, बीबी का मकबरा चीख चीख के कहेंगे औरंगाबाद है ये, ये नहर अंबरी अगर खोदोगे जमीन तो नहर अंबरी चीखेंगे कि औरंगाबाद शहर है। यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की अस्थियां हैं, यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की हड्डियां दफन है, वो चीख चीख के कहेंगी कि ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद शहर की खूबसूरती पे इतरा रहे, पूरे दुनिया में इतराते फिर रहे, यहाँ पेंटिंग वहां पेंटिंग, ये बता रहे वो बता रहे, मगर नाम से जल रहे। ऐसी कौन सी जलन होगी तुमको? ऐसी कौन सी जलन जिसके वजह से तुम शहर का नाम बदल रहे? देखिए संभाजी महाराज पूना के अंदर जन्म हुआ, उनकी आखिरत वो उनका जो तकफीन वगैरह हुई उनकी वही हुई सब, संभाजी महाराज का। उसके बाद संभाजी महाराज कहाँ के राजा थे? पूना के थे, एक सूबे के थे, वो सूबे के अंदर कुछ जिले आते थे, और औरंगजेब रहमतुल्लाह ले अखंड भारत के राजा, अखंड भारत का बादशाह। अगर आप नाम कोई बादशाह के ऊपर देना ही चाहते हो तो अखंड भारत का जो बादशाह था जिसका सपना तुम देखते फिर रहे उसके नाम पे रखो, क्यों नहीं रखते? और अगर बसाना ही है संभाजी महाराज के उस पे तो बसाओ एक शहर से, बसाओ एक शहर, हम भी तायद करेंगे। हम क्या पूरे जितने यहाँ लोग हैं इससे ज्यादा, इससे 50 गुना ज्यादा लोग तायद करेंगे कि तुम नया शहर बसा दो कहीं तो भी बसाओ। औरंगाबाद शहर ही कोई बसा हुआ है? ये तो ऐसा होगा वो आटे के ऊपर ऐसी लकीरा खींचते बोलते नहीं क्या, ऐसे आटे पे लकीरा खींचना, बना हुआ शहर है, खूबसूरती भी बहुत अच्छी है, दे दो उसको नाम। और फिर बाद में बोलेंगे कि दरवाजे भी उनके थे, बीबी का मकबरा भी उनका था, मगर कितना भी आपने कर लिए तो हम अगर मर भी गए या मैं मर भी गया तो मैं मेरे नस्लों को बता के जाऊंगा कि ये औरंगाबाद शहर था और है, इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ।